हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हावर यू ऑल आई होप यू ऑल आर गुड सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर ट्वेल्व फ्रिक्शन ऑफ योर एट्थ क्लास साइंस बुक सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे इससे पहले आपने इस चैप्टर में कुछ कॉन्टेक्ट फोर्सेज के बारे में पढ़ा था उन कॉन्टेक्ट फोर्सेज में फ्रिक्शन भी एक फोर्स था तो इस चैप्टर में हम उसी फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पोजिशन में है वो रेस्ट पोजिशन में अगर है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगाए जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट पोजिशन पर है किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है जिसकी वजह से वो अपनी प्लेस पर बने रहते हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है अगर हमारे टेबल पर ये बुक रखी हुई है तो ये फिसल नहीं रही है गिर नहीं रही है क्यों नहीं गिर रही है क्योंकि इस, इस टेबल और इस बुक के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं जो उसे अपनी जगह पर बनाए हुए है जो उसे अपनी जगह से हटने नहीं दे रही लेकिन अगर मैं कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई करूं अपने हाथ से इसको पुश करूं तो ये बुक हट जाएगी लेकिन उस फोर्स में जो भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगता है किसी भी रेस्ट पोजीशन में रखे हुए ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए वो जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज्यादा होना चाहिए और हमेशा फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट वर्क करता है नेक्स्ट आप ये इमेज जो देख रहे हैं इसमें ये स्प्रिंग बैलेंस है ये वो डिवाइस है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसको मेजर करते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन जो होता है वो किस किस वजह से एक्ट करता है तो फ्रिक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी सरफेस होता है वो उसमें इरेगुलरिटी होती है मतलब ऊपर नीचे थोड़ा सा सरफेस होता है जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है और दो जो भी सरफेस आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं वो रफ होते हैं तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्लिपरी सा फ्लोर होगा जिसमें पानी पड़ा होगा तो उसमें कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि वो सरफेस बहुत ज्यादा स्लिपरी और स्मूद होगा उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होगी और वो रफ सरफेस नहीं होगा तो उस उसपे वो फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर पाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स को वर्क करने के लिए एक ऐसे सरफेस की जरूरत होती है जो थोड़ा सा इरेगुलर हो बहुत ज्यादा स्लिपरी या फिर स्मूद सरफेस ना हो ऐसा नहीं है कि स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन वर्क नहीं करता है स्मूथ सरफेस पर भी फ्रिक्शन वर्क करता है बट उसका जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है इस वजह से उस पर कोई भी स्मूथ सरफेस पे जो चीज़ होती है वो रेस्ट पोजिशन पे ज्यादा देर तक नहीं रह पाती नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाना और उसे कम करना सबसे पहले बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने की इंक्रीज करने की जैसे कि रास्ते में गाड़ियां चलती हैं तो उनके टायर्स जो होते हैं रबर के होते हैं और उसमें बहुत सारी लाइन्स बनाई हुई होती हैं जैसे कि आप इमेज में देख भी रहे हो ये लाइन्स टायर में इसीलिए बनाई जाती है ताकि जो टायर का सरफेस रहे वो रफ रहे उसमें इरेग्युलरिटी रहे और वो जो रोड है उस पर एक दूसरे से उसमें फ्रिक्शन क्रिएट हो ताकि गाड़ी उस पर फिसले नहीं अगर ये टायर बिल्कुल गोल और स्मूथ बना दिए जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि रोड पर फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा जिसकी वजह से जो भी गाड़ी या साइकिल जो भी व्हीकल होगा वो फिसलेगा और गाड़ी फिर ठीक तरीके से नहीं चल पाएगी इसी तरीके से सेम हमारे जो शूज़ होते हैं उनके नीचे डिजाइनिंग की जाती है क्रिस क्रॉस वाले पैटर्न्स बनाए जाते हैं तो वो इसीलिए बनाई जाती है ताकि उनके सरफेस में एक इरेग्यूलरिटी रहे वो बिल्कुल स्मूथ ना रहे क्योंकि अगर स्मूथ रहेंगे तो फिर वो जल्दी से फिसल भी सकते हैं स्लिपरी हो जाएंगे नेक्स्ट आता है कि हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को आपने देखा होगा जैसे यहां पर आप इमेज में देख रहे हो ये बच्चे बैठकर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं कैरम बोर्ड खेलने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ थोड़ा सा पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि उसमें जो भी हम स्ट्राइकर यूज कर रहे हैं वो इजीली और बहुत जल्दी से जा सके नेक्स्ट इसमें आता है रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जब वो किन्हीं रोल्स पे या टायर पर रोल करता है तो उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है रोल्स लगा देने की वजह से या व्हील्स लगा देने की वजह से किसी भी भारी से भारी ऑब्जेक्ट को हम इजीली उसको लेकर जा सकते हैं जैसे ये ट्रॉली वाला बैग है तो इसमें जो है ये रोलिंग फ्रिक्शन वर्क कर रहा है कि ताकि ये बैग जो है वो ईजिली लेकर जाया जा सके इसमें फ्रिक्शन कम क्रिएट होगा इसी तरीके से स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है जब बहुत बड़े बड़े ट्रक में से सामान निकाला जाता है तो बहुत ज्यादा टफ होता है वो सामान निकालना इजीली सामान निकालने के लिए हम ट्रक में आप, आपने ट्रक पे देखा भी होगा कि प्लैंक लगा देते हैं एक वुडन और उसके ऊपर से सामान को रोल करके या स्लाइड करके नीचे देते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो कम क्रिएट होता है और उसकी वजह से सामान इजिली स्लाइड करके फिसलते हुए नीचे आ जाता है नेक्स्ट आता है इसमें फ्लूड फ्रिक्शन साइंस लैंग्वेज में जो वाटर और और दूसरे लिक्विड्स होते हैं उन पे जो भी लगने वाला फ्रिक्शन होता है उनको फ्लूड फ्रिक्शन कहा जाता है जो गैस और लिक्विड के कॉमन नेम है साइंस लैंग्वेज में उनको फ्लूड्स कहा जाता है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि फ्लूड द्वारा लगाई जाती है उसको ड्रैग कहा जाता है अब जैसे एयर है और गैस है तो ये तो एटमोसफेयर में भी होते हैं तो एरोप्लेन इतना ईजीली कैसे उड़ पाता है तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो एरोप्लेन है उसकी बॉडी को एक ऐसी शेप दी जाती है जिसकी वजह से उस पर फ्रिक्शन कम क्रिएट हो इस तरह के ऑब्जेक्ट जिनको इस तरह की शेप दी जाए जिससे कि वो इजीली मूव कर सके और फ्रिक्शन उन पर बहुत कम वर्क करे तो इस तरह की बॉडीज को स्ट्रीम बॉडीज कहा जाता है सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा थैंक यू सो मच